अब बड़ा भाई पसंद आ गया या छोटा ही पसंद है? देखिए, एक तो मुझे ना रिश्ते वालों की समझ नहीं आती, अब उनकी नजर ना पुप्पो की बेटी पर चली गई। ये पुप्पो की बेटी कौन हो गई? बस ये पुप्पो की मतलब ये आपने रिश्ता जहाँ करना इंसान एक दफा जुबान दे दे, ऐसे थोड़ी कि कभी बड़ी बहन कभी छोटी बहन कभी पुप्पो की बेटी। तो अब ये वो जो बीच में वो भी थोड़े बिदक गए हैं कि ये क्या भाई, एक के ऊपर मतलब आप अंगूठी पवा दो तो सी, कि जो खबरें हैं वो यही है कि अब वो छोटी बहन भी नहीं इतनी पसंद आ रही। नहीं तो अब आप क्या समझती हैं कि फूफो की बेटी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, मैं आप पूछूंगा तो नहीं कि फूफो की बेटी है कौन, लेकिन उस फूफो की बेटी की रुखसती कब तक देख रही हैं? कोई 5 माह 6 माह या उस पे सालों लग जाएं? I'm sorry, इसका जवाब जो मेरे जहन में आया वो मैं ऐसे नहीं चाहती। बस ठीक है, देखिए अल्लाह करे हो जाए रुखसती, लेकिन फिर रुखसती में और मसाइल भी तो आते हैं। अच्छा चले यही बता दें, रुखसती सिंध से होनी है? अच्छा, रुखसती सिंध से होनी है कि पंजाब से या केपी के से या बलोचिस्तान से? चले इतना ही बता दें, फिर भुप्पो की बेटियां हम खुद ही ढूंढ लेंगे। भुप्पो की बेटियां ढूंढ लेंगे, देखिए पूरा मुल्क पूरे मुल्क में ही है, लेकिन दुआ करें हमारे अच्छी नौकरी निकल आए। अच्छा सायरा साहबा, अगर बाराती बने जी चलें, अल्लाह करे कि आप बाराती बन जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है, आप क्या समझती हैं कि इसका मलबा किसके सर पे पड़ेगा? जो सिवल नाफरमानी के खदशात इस वक्त हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, शहर शहर एहतजाज हैं, तो ये इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और ये बार कौन अपने कंधों पे रखेगा? खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं ना, खमियाजा तो आवाम भुगत रही है, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब वो कहते ना कि बाकी जो पीडीएम में जमाते थी 16 महीने इकतदार के मजे होने के बाद, वो तो अपने आबाई वतनों को लौट चुके हैं, उनके वो आबाई वतन है, वो यहाँ पर आते हैं, वो जैसे ईद के दिनों में कराची में दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं ना, इधर उधर गांव गोठों से जनूबी पंजाब की तरफ, उधर वो हमें पता चल जाता है कि ये सब ईद के दिनों में सिग्नल्स पे कमाने के लिए आए हैं। तो वो जब इलेक्शन का सीजन आएगा फिर ये लोग दिहाड़ी लगाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अब ये कि मुझे पीपल्स पार्टी भी आप देखिए, वो वाकई क्या कहते हैं आइन और कानून की अलम बरदार जमात बन गई है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इक्तदार में बैठ के वो कौन सी भी पार्टी हो, वो आपकी चीज़ों से यू टर्न और इनहराफ और फिर इक्तदार से निकलते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जिस वक्त ये बात हुई थी यही कहा था कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम जो गर्दिश कर रहे थे और वो खुद अपने नाम वो करवा रहे थे टीवी पर ले रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मतलब कि सॉरी ये गन का टोकरा है ना, मुझे नहीं पता इसको कौन उठाएगा, कौन इतनी हिम्मत वाला होगा कि वो अपना ये सारा वो करेगा, लेकिन भुगत हम रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं भुगतना। वो उन्हें कहना है कि ये उनकी मौशी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं उनकी मौशी पॉलिसी है, और तब तक हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन भुगत आवाम ही रहे। अच्छा सारा साहब, फर्क नहीं पड़ेगा। सारा साहबा, आप आज दो वाक्यात हुए हैं, बड़े हैं वाक्यात। एक अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और वकला उस पर फंस जाते हैं और 20-25 मिनट तक ये सारा चलता रहता है, और फंसते वही वकला हैं जो चेयरमैन पीटीआई की केस के हवाले से आते हैं। दूसरा, आज अदालत में जो हुआ वो भी आपके सामने है, और साथ में एक वो जज साहब जिन्होंने सजा दी थी उन्हें OSD कर दिया गया। आप क्या देख रही हैं आगे सियासत में, क्या गिरफ्तार अफराद के या कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, उससे पहले भी हमारे एक वो हुआ था कि एक आंख का तारा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि दो आंखें हैं ना, एक आंख का तारा भी हो सकता है, एक सितारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता कि वो कहते हैं ना कि वो कि कब आपकी एक्स से तजदीद वफा हो जाए। वो होते हैं ना कि आपका दोबारा बॉन्डिंग कब हो जाए, वो कुछ नहीं पता, आप यकीन नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं होता ऐसे।